सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे नौ की आवश्यकता है। नकुल दास हुआ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव दास सहदेव अर्जुन वीर अर्जुन आठ। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे बलवान भीम प्रिय भीम मिये भी दास। अब महाराज अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे नौ की आवश्यकता है। नौ भांजे भांजे अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज, वो अभिमानी वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज इस सभा में आपकी पुत्र वधु का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। भ्राता श्री लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। मामा श्री मुझे नौ की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए, द्रौपदी कुलवधु है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधु नहीं है, आज से वो मेरी दासी है दासी, और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिता श्री विराजमान है ताज श्री। मैं ताज श्री से सहमत हूं पिताश्री, भाभी श्री का अपमान सारे भरतवंश का अपमान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता, बैठ जाओ। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट
और रख दो मेरे चरणों में। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं, महाराज पहले अपने आप को हारे थे या उन्हें? उस पांच पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। क्या उत्तर लाए मेरे प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर युवराज ने कहा आप स्वयं वहां पधार कर महाराज से प्रश्न कर लें। तो मेरे लिए एक कष्ट और उठाओ, वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हो कि कुरु राज घराने की लाज द्योतगृह में आए तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी। यदि काकाश्री इसे उचित जानते हो कि मैं वहां आऊं तो मैं वहां अवश्य आऊंगी। परंतु यदि ये लोग ये नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं चलूंगी। युवराज मुझे फिर लौटाएंगे बहुरानी। तो क्या तुम अपनी बहुरानी के लिए इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते? जो आज्ञा बहुरानी। वो होती कौन है ज्येष्ठ कुरुओं से कुछ पूछने वाली? उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए यहां आना ही पड़ेगा। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यहां समाप्त कीजिए महाराज। महाराज मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह। युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए? ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जी चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। ये द्वारपाल तो मूर्ख है, स्वयं तुम जाओ और उस पांच पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हलाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल।
सचमुच जिस दशा में वहां न ले चलो दुशासन, मैं कुल वधु हूँ, कुरुवंश की मर्यादा हूँ। अरे आज तू एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चल। ये तो सोचो कि मैंने रितु से अन्याय किया। अरे चल। रुक जा दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो जेष माता श्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं जानते उन्हें क्या बताओगे, क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिताश्री के अनुज महाराज पांडु के पुत्र वधु हूँ। और यदि बीच में जेष माता श्री मिल गई और उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीटे लिए जा रहे हो, तो क्या कहोगे उन्हें? कह सकोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को घसीटते हुए भारी सभा क्यों ले जा रहे हो? चल, राजकुमारों से बात करना सीखो दासी, चल। तुम्हारा इस अपराध और मेरा इस अपमान पर पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं अपमान का घाव हूँ दुशासन, अपमान का घाव। पार कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। चले छोड़ दे बेटा। भ्राताश्री, ये रही पांच पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता ना करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में कुछ समय तो लगता ही है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय हैं। और धीरे धीरे ये दास बनकर जीना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। देखना ये है कि उस भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानिनी द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए कि आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को पृष्ठों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधु किस दशा में खींच कर यहाँ लाई गई है। और मुझसे कहिए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है? आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधु के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है।
कृपया मुझे भरत वंशों की परंपरा बताइए, मेरी ओर देखिए पितामह। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, देखिए पितामह, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए। आपके सामने यह अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जीव को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह, मुझे बताइए जो व्यक्ति स्वयं अपने को जुए में हार चुका है वो कौन होता है? किसी और की स्वतंत्रता, किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका ये लज्जित मौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रही है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है, ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन कराइए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघल कर आंसू बन के मेरे आंखों से बह रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया मुझे पुत्र से संबोधित न कीजिए। यदि मैं भरत वंश की पुत्र नहीं होती तो आपने मेरा यह अपमान इस प्रकार चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधु कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में खड़े इस द्रौपदी को कुलवधु कहती हुई आपकी जीव लड़खड़ाती है या नहीं। पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे, ये तो स्वयं एक प्रश्न है। आपके प्रिय अनुज पांडु के पुत्र वधु द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्म में, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्र वधु की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ ना कहो पुत्री, कुछ ना कहो। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी और ना ही दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की। अपना यह प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनके पास अपना प्रश्न ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ जिनके लिए भी मेरे पास एक प्रश्न है। आपने काकाशी विद्युत द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्र वधू। तो आज इस सभा में
पुत्र के नाते आपका चरण स्पर्श करूं या पुत्रवधु के नाते? आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। कुलगुरु कृपाचार्य, काकाश्री, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है, आप तो चुप में रही है। क्या किसी पति को अधिकार है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे? भाभी श्री ठीक कह रही है। जो बोलता है उसे बोल लेने दो भांजे, जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपने पति को हारने का अधिकार हो भी, तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं पांचों पांडव पुत्र की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते है या नहीं? क्या तुमने नहीं आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मीन बेधन करके मेरे स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंतीपुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं, पर किसी ने कभी अपने राखेल को भी दांव पर लगाया था? और तुम लोग अपने ब्याहता का दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। आप पांचाली के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते भ्राताश्री? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह हैं, महादेव की सौगंध। यदि आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जैसे उखाड़ के फेंक देता। आज जाके मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे, कि पांडवों में फूट पड़ ही गई। जैसे तीमक बड़े बड़े वृक्षों को चार जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभी श्री के अपमान का ये रोग भी तीमक की भांति भरतवंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छाव में जी रहे हैं, ये रोग उस गरिमा को भी नष्ट कर देगा। पितामा, पिताश्री, काकाश्री, गुरु और द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, भावी श्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर आगे चलकर हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पत्नी को इसका अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या यह भी सच नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। पांच पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। हे चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीव काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री पांच पांच पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या? ये यहां नग्न भी लाई जाती,
तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्य या दासी का मान क्या और अपमान क्या? दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी पांच पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार, इधर छाती कहाँ है? चल इधर, आ इधर, छोड़ दे मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण, खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे।
हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण। संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अभी संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम यह घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। हे ताश्री, हे महाराज, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, जो नहीं देखना था वो तो देख चुके, आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। एक घायल आत्मा, इस राजघराने की घायल मर्यादा आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई है, और इस समय इस भरी सभा में अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए रो रही है। कृपया उसके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप सभी धर्म के ज्ञानी हैं, और द्रौपदी के प्रश्नों का संबंध धर्म ही से तो है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है, और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही। यह तो बताइए, क्या आप लोग अपने सिर आधे झूठ का आरोप लेंगे या पूरे झूठ का? क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस आज हम में से किसी को भी नहीं है। फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते, हमें द्रौपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा। क्या बिलखती हुई द्रौपदी, उठ, अपने आंसू और अपने अपमान को समेट कर किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है, मृतक लोगों की सभा है। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है, जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने घर में पितामह ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी उस नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया है। गुरु जीवन प्रणाली में ये कोट कहां से आ गया कि वह चुपचाप बैठे अपनी कुल वधु के चीर हरण का ये भयानक दृश्य देखते रह गए? आप सब सुने, इस निर्लज और कायर से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी
पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधु आप सबको शाप देती है कि नहीं। पुत्री गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में आ जाति का करता यूं अपमान उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान।